दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट के सबसे अहम सदस्य और मोस्ट वांटेड गोल्डी बरार के बारे में पिछले कई दिनों से कई तरह की खबरें सामने आ रही है। किसी के अनुसार वह अमेरिका में हुए एक शूट आउट में मारा जा चुका है, तो कोई कह रहा है कि वह अभी जिंदा है। गोल्डी बरार पिछले कुछ सालों में अपने कारनामों की वजह से खूब नाम कमा चुका है और वह अब भारत, कनाडा और अमेरिका तीनों देशों में मोस्ट वांटेड बना हुआ है। उसके ऊपर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से लेकर सलमान खान तक के ऊपर हमले सहित कई आरोप लग चुके हैं और यही वजह है जो अब वह सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर भी आ गया है। आखिर कौन है गोल्डी बरार और कहां से वह ऑपरेट कर रहा है? आखिर क्यों उसकी मौत या फिर मौत की अफवाह नेशनल मीडिया में न्यूज बना रहा है? क्या वह अभी जिंदा है या मारा जा चुका है? क्या है इस घटना की पूरी और असली कहानी? आइए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bijodjora.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको यह बता देते हैं कि आखिर यह गोल्डी बरार है कौन और यह इतना मशहूर कैसे हो गया। तो हम आपको बताते चले कि सतिंदर जीत सिंह उर्फ सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार का जन्म पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब शहर स्थित आदेश नगर की गली नंबर 3 के एक घर में 11 अप्रैल 1994 को हुआ था। गोल्डी बरार के पिता शमशेर सिंह पंजाब पुलिस में बतौर ASI तैनात थे और उनकी माँ प्रीतपाल कौर एक हाउसवाइफ थी। गोल्डी बरार शुरू से क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल नहीं था। जब वह 2010 में पंजाब यूनिवर्सिटी में गया तो वह गैंगस्टर्स के टच में आया। इससे पहले गोल्डी बरार स्टेट लेवल का कबड्डी खिलाड़ी रह चुका था। कॉलेज के दौरान उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से हुई। लॉरेंस बिश्नोई तब छात्र राजनीति का बड़ा चेहरा हुआ करता था और गोल्डी बरार के चचेरे भाई गुरलाल बरार का वह अच्छा मित्र था। गुरलाल बरार के जरिए दोनों मिले और देखते ही देखते काफी करीब हो गए। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के साथ मिलकर कॉलेज और चंडीगढ़ में कई वारदातें की गई, मगर तब किसी भी बड़े क्राइम में गोल्डी बरार का नाम सामने नहीं आया। यह दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि दोनों एक दूसरे से हर बात पर सलाह लेते थे। यह सिलसिला करीब साल 2020 तक चला और तब तक गोल्डी बरार मशहूर नहीं हुआ था। इसके बाद समय बीता और गोल्डी बरार के चचेरे भाई गुरलाल बरार की 11 अक्टूबर 2020 को चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 स्थित एक क्लब के बाहर देर रात गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। तब गुरलाल बरार पंजाब यूनिवर्सिटी का एक बड़ा छात्र नेता हुआ करता था। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के एंटी चल रहे बम्बीहा गैंग ने ली। इसी घटना ने गोल्डी बरार की एंट्री गैंगस्टर वॉर में करवा दिया। गुरलाल बरार की मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उसने लिखा था कि अब से एक नई जंग की शुरुआत होगी। इसके बाद गोल्डी बरार ने चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में बम्बीहा और बम्बीहा गैंग के साथ चलने वाले कई गैंगस्टर्स की हत्या करवाई। हालांकि उन हत्याओं में गोल्डी बरार खुद कभी सामने नहीं आया था, मगर उसका नाम पंजाब पुलिस की जांच में सामने आ चुका था। इन सभी तथ्यों के बारे में गोल्डी बरार के पिता को पता चल गया क्योंकि वह पंजाब पुलिस में ही काम कर रहे थे। इसके बाद उसके पिता ने किसी तरह गोल्डी को मनाया और साल 2021 में गोल्डी को स्टूडेंट वीजा पर कनाडा भेज दिया। अब आता है साल 2021 और यहाँ कहानी अब एक कदम और आगे बढ़ती है। साल 2021 में गोल्डी बरार कनाडा पहुंच गया था। गोल्डी ने कनाडा पहुंचकर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से संपर्क किया और उसका सारा गैंग खुद चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद वो होने वाला था जिसकी उम्मीद खुद गोल्डी बरार तक को नहीं थी। इसके अगले ही साल 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले के जवाहर के गाँव के पास करीब 6 शूटर्स ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बरार ने कनाडा से एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ली थी। इसमें गोल्डी बरार ने कहा था कि मोहाली में मिड्डू खेड़ा की हत्या में शामिल लोगों को मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह ने रहने की जगह मुहैया करवाई थी। जब सिद्धू मूसेवाला को पता चला कि लॉरेंस गैंग शगनप्रीत को टारगेट कर रही है तो उसने अपने मैनेजर को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। इसके चलते सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई गई। सिद्धू मूसेवाला केस के बाद गोल्डी बरार का नाम गैंगस्टर वर्ल्ड में चमक उठा। उसे लॉरेंस बिश्नोई के सबसे खास लोगों में गिना जाने लगा।
साल 2022 के अंत में ही डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह कटारिया की हत्या हुई। इसकी भी जिम्मेदारी गोल्डी बरार ने ही ली। पंजाब के मुक्तसर के मलौट में रणजीत सिंह उर्फ राणा सिद्धू की हत्या में भी गोल्डी बरार शामिल था। साथ ही हरियाणा में बम्बीहा और कौशल गैंग के कई शूटर्स की हत्या गोल्डी बरार ने ही करवाई। यह सिलसिला करीब 20 हत्याओं तक पहुंच चुका था और अब तक गोल्डी बरार कनाडा में ही रह रहा था। इसके बाद फ्रांस के इंटरपोल सेक्रेटरिएट जनरल ने 12 दिसंबर 2022 को गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस और गैर जमानती वारंट जारी किया। यहां से अब गोल्डी बरार का नाम इंटरनेशनल फाइल्स में अपनी जगह बनाने लगा था। इंटरनेशनल फाइल्स में जगह बनाने के बाद गोल्डी बरार खुद भी अपनी दहशत बढ़ाने लगा था और अब वह नेशनल मीडिया में भी आना चाहता था। इसके लिए उसने निजी न्यूज चैनल्स को फोन पर इंटरव्यू देना शुरू किया। ऐसे ही एक इंटरव्यू में उसने एक बार कहा था कि उसका गैंग बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जरूर मारेगा, हमें जब भी मौका मिलेगा हम उसे मार देंगे। उसे लॉरेंस बिश्नोई ने बताया था कि सलमान खान ने काले हिरण के केस में अभी तक कोई माफी नहीं मांगी है, जिसके बाद गोल्डी बरार के कई शूटर सलमान खान के पीछे पड़े हुए थे। इसे लेकर एजेंसियां भी अलर्ट पर है, क्योंकि बीते दिनों मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा दो शूटरों को गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी। उनकी लिंक भी गोल्डी बरार से ही मिले थे। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2 दिसंबर 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को अमेरिका में हिरासत में लिया गया है और उसे जल्द पंजाब पुलिस भारत लेकर आएगी। लेकिन इस बयान के कुछ देर बाद ही सीएम मान के इस दावे को लेकर गोल्डी बरार ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और कहा कि उसे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया है और सीएम मान का दावा बिल्कुल गलत है। इसके बाद 5 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेरी की घर में घुसकर हत्या करवा दी जाती है। यह हत्या गोल्डी बरार ने ही करवाई, जिसमें उसने माना था कि गोगा मेरी के साथ उसका जमीनी विवाद चल रहा है। गोगा मेरी की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में दंगे जैसा माहौल बन गया था। इन सब घटनाओं के बाद गोल्डी बरार पूरे देश की मीडिया में छा गया और फिर सलमान खान के मुंबई स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली और इसका लिंक गोल्डी बरार से भी पाया गया था। इस घटना के बाद गोल्डी बरार लगातार मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगा और फिर एक खबर आई कि अमेरिका में हुए एक शूटआउट में वह मारा गया है। 1 मई 2024 को दिन भर गोल्डी बरार के अमेरिका में मरने की चर्चा रही, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी थी। एक अमरीकी चैनल ने गोल्डी बरार की मौत की खबर चलाई। फिर एक चैनल को अमरीकी पुलिस अधिकारी लेस्ली विलियम्स ने बताया कि दो व्यक्तियों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जिसमें एक की मौत हो चुकी है। हालांकि इससे यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि वह गोल्डी बरार ही है। फिर देर रात कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो पुलिस ने इस खबर का खंडन किया। ईमेल के जरिए लेफ्टिनेंट विलियम जे डूले ने जानकारी दी है कि बीते मंगलवार को कैलिफोर्निया के फेयरमोंट होटल के बाहर दो युवकों को गोली मारी गई थी। इनमें से एक की मौत हो गई, वहीं दूसरे को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। मरने वाला व्यक्ति गोल्डी बरार नहीं बल्कि अफ्रीकी मूल का जेवियर ग्लेडनी था, जिसके नाम और शक्ल की वजह से ये सारी कन्फ्यूजन हुई। इसके अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने इस गोलीकांड में दो लोगों को और गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान हुसनदीप सिंह और पवित्र सिंह के रूप में हुई है। अधिकारी ने दावा किया है कि मरने वाला युवक गोल्डी बरार नहीं है। जानकारी के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि फेयरमोंट होटल के बाद अफ्रीकी युवकों ने अपने ही मूल के युवकों पर गोली चलवाई थी। इसके बाद वे वहां से फरार हो गए थे। इसके बाद कोई पंजाबी वहां से गुजरा, उसने अफ्रीकी युवक को गोल्डी बरार समझ लिया और यह अफवाह फैल गई कि कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बरार अमेरिका में हुए एक शूटआउट में मारा गया है। जबकि सच्चाई यह है कि गोल्डी बरार अभी भी जिंदा है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है यह किसी को भी नहीं मालूम है। तो यही थी गोल्डी बरार और उसके मौत की अफवाह के पीछे की असली कहानी। इस मामले में जो भी कुछ नया अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ।
अंत में एक और जरूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।